नमस्कार बच्चों, आज हम विद्युत धारा पर आधारित सवालों को सीखेंगे। तो विद्युत धारा के लिए फॉर्मूला होता है I बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ पर क्यू आवेश होता है और टी समय होता है। यहाँ अगर मान लो आवेश ना देकर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाए तो क्यू बराबर फिर हम एन ई भी लगा सकते हैं। तो वहीं पर यही इसी फॉर्मूले पर आधारित हम सवालों को देखेंगे। जैसे एक सवाल दिया गया है कि एक तार में ए से बी की ओर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। तो 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर, मतलब तार में ए से बी की ओर चल रहे हैं 10 की पावर माइनस 4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। तो 10 की पावर माइनस 4 सेकंड टी की वैल्यू हो जाएगी। पूछा जा रहा है कि तार में कितनी धारा प्रवाहित होगी, धारा यानी आई निकालना है। तो फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ पर क्यू की जगह पे हम लिख देंगे एन ई, क्योंकि यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन संख्या दी जा रही है इसलिए क्यू बराबर एन ई लगाएंगे। अपॉन में टी, टी की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 4, तो एन की जगह एन का मान रखेंगे 10 की पावर 8। ई की वैल्यू होती है 1.6 इन 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन में 10 टू द पावर माइनस 4। यहाँ पे हल कर देंगे तो 1.6 जब के तो रहेगा, 8 में से 19 चला जाएगा तो 11 बचेगा माइनस का, माइनस 4 ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो आई इक्वल हो जाएगा 1.6, 4 में से 11 चला जाएगा तो मतलब माइनस का 7 बचा रहेगा, इतने एम्पियर। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन उस कही जा रहा है कि ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, ए से बी की ओर चल रहे हैं, तो बताइए धारा किस दिशा में बहेगी। तो धारा धनावेश के चलने की दिशा में बहती है और ऋणावेश के चलने की विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश कण है, तो जब इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहे हैं तो धारा बी से ए की ओर प्रवाहित होगी, इसलिए हम लिख देंगे कि जो धारा बहेगी वो बी से ए की ओर प्रवाहित होगी। अब एक दूसरा सवाल है, इस दूसरे सवाल में कह रहे हैं कि एक तार में 1.6 एम्पीयर की धारा प्रति सेकंड प्रवाहित होती है। तो धारा 1.6 एम्पीयर की प्रवाहित होती है तो आई की मान हो जाएगा प्रति सेकंड, तो टी का मान, प्रति सेकंड का मतलब होता है एक सेकंड, तो टी की वैल्यू हो जाएगी एक सेकंड। कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो एन की वैल्यू निकालना है। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो आई की वैल्यू तो 1.6 है, क्यू हमें एन निकालना है, तो इसलिए क्यू की जगह पे एन ही रख देंगे, टी का मान एक, तो 1.6 इक्वल एन जो को, तो ई की वैल्यू 1.6 इन 10 की पावर माइनस 19। एन निकालना है तो 1.6 इन 10 की पावर माइनस 19 नीचे आ जाएगा, तो 1.6 अपॉन में 1.6 इन 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा, 1.6 से 1.6 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एन इक्वल हो जाएगा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन।